वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। फर्जीवाड़ा शब्द आते ही हम सोचते हैं मामला सीधा सरकार के जमा पूंजी से जुड़ा होगा या सरकारी नौकरी में पैसे के बलबूते बिना पात्रता के भी मिली नौकरी। पर आज जिस फर्जीवाड़ा का हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये अक्सर घुसपैठिया ही करते हैं हमारे देश में। लेकिन ये घुसपैठिया नहीं, पढ़ने खेलने वाले बच्चे हैं जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे बच्चों के हक को मारते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। मामला प्रदेश के खेल जगत से जुड़ा है, जहां खेल में खिलवाड़ का अनोखा मामला सामने आने के बाद मानो खेल संसार में हड़कंप मच गया हो। कितनों के उम्मीद टूटे तो कितनों के जारी मेहनत पर पानी फिर गया। मामला दरअसल मध्य प्रदेश के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट से जुड़ा है। जहां उत्तर प्रदेश के लड़के 4 साल से डिवीजन अंडर 15-18 और मध्य प्रदेश की अंडर 16 क्रिकेट टीम में बेधड़क खेल रहे हैं, और इसमें नामांकन के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मार्कशीट गुना, शिवपुरी और ग्वालियर से बनवाए हैं। इस मामले पर खुलासा तब हुआ जब 4 साल बाद गुना की नया गांव ग्राम पंचायत से उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की बात सामने आई। मामला जब तक अधिकारियों के कानों में जाती, तब तक एक शिकायत पर भारतीय खेल मंत्रालय ने ही जानकारी मांगते हुए नोटिस जारी कर दी है। आपको बता दें, ग्वालियर डिवीज़न की एक टीम ने गुना की नयागांव ग्राम पंचायत से मुरादाबाद के निवासी सुयश गुप्ता और आगरा के शिखर बरगोटी का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, जिसमें सुयश का जन्म 24 दिसंबर 2012 और जारी करने की तिथि 28 फरवरी 2019 बताई, और दूसरा क्रिकेट खिलाड़ी जो आगरा का है उसका जन्म 9 दिसंबर 2005 और जारी करने की तिथि 6 अप्रैल 2018 बताई। जांच में बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों के माता पिता का यहां न तो निवास है और न वे यहां के मतदाता, गांव में जमीन तक नहीं है। दोनों की 8वीं की मार्कशीट गुना शहर के स्कूल की बनवाई हुई है। वहीं भारतीय खेल मंत्रालय के नोटिस आते ही इधर नयागांव ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने एक पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना को लिखकर दोनों के जन्म प्रमाण पत्र निरस्त करने का आग्रह किया। कहा कि यह जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, दोनों बच्चों के माता पिता इस गांव में नहीं रहते, नहीं यहाँ से कोई उनका नाता है। सूत्रों के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह में ग्वालियर के 2 क्रिकेट प्रेमी, 1 गुना का क्रिकेट प्रेमी और शिवपुरी गुना की 2 ग्राम पंचायतों के 4 पदाधिकारी कर्मचारी शामिल है। कथित तौर पर 12 खिलाड़ियों से इन्होंने 40 से 50 लाख रुपए लेकर प्रमाण पत्र बनवाए हैं। बहरहाल प्रदेश के खेल जगत में फर्जी तरीके से मूल निवासियों के हक मारे जाने पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।